जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने की कोशिशें तो हो रही हैं। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि काबुल के कार्तिके परवान गुरुद्वारे में अभी करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है। गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं लोग, कुछ के पास भारतीय पासपोर्ट भी है। इस खबर पर और अपडेट के साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, क्या जानकारी मिल रही है? 300 लोग, ये तो काफी बड़ी संख्या है। देखिए, 10 मिनट पहले मेरी एक गुरुद्वारा में महत्वपूर्ण आदमी जो मौजूद है उनसे फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा तकरीबन 300 लोग यहाँ पर हैं और उनमें से 100 के करीब महिलाएं हैं और 50 बच्चे भी हैं। ये लोकल्स भी हैं और जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो लोग भी हैं। उन्होंने कहा खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत डरे सहमे हुए हैं सब लोग। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तालिबान ने अभी ना तो तालिबान इस गुरुद्वारा की तरफ आया है और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई अंदेशा जताया कि वो तालिबान से उनको अभी खतरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल यहां बना हुआ है ना जाने कब क्या हो जाए, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भारत सरकार से ये अपील की है कि वो या तो अमेरिकन फोर्सेस से बात करें या फिर वो उनको भारत बुलाएं ताकि वो जिन जहां जहां उनके कईयों के अलग अलग परिवार जहां पर हैं वहां वो जा सकें। दूसरा उन्होंने कहा मदद ये हो सकती है कि हमें जिस तरह से इवैक्यूएशन अभी हो रहा है, जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उन्हीं के साथ हमें भी बाहर निकाल लिया जाए। चौथी बात उन्होंने महत्वपूर्ण ये बताई कि अब काबुल में स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन जो प्रोविंस जिन पर पहले तालिबान ने कब्जा किया था वहां हालात नॉर्मल हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो काबुल से अपने ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जैसे वो मुझे बता रहे थे कि चाहे हेलमंड हो चाहे गजनी हो वहां पर हालात सामान्य हैं। कल ही दो परिवार गजनी वापस लौट गए क्योंकि अब तालिबान का पूरा जो फोकस जो है वो राजधानी काबुल पर है और जितने भी उनके बड़े लड़ाके हैं बड़े कमांडर हैं उनका रुख जो है वो काबुल की तरफ हो रहा है। लिहाजा हेलमंड में निमरुज में गजनी में वहां पर हालात बड़े सामान्य हो गए हैं, सो परिवार वहां को जा रहे हैं ताकि वो काबुल की बजाय वहां ज्यादा सुरक्षित है। तो अभी तक के ये सूरते हाल है, लेकिन भारत सरकार से उनकी अपील यही है कि उनको वहां से निकाला जाए, उनके जहां परिवार हैं या तो उनको उस देश भिजवाया जाए या फिर उनको भारत बुला लिया जाए ताकि यहां से वो अपने परिवारों तक या अपने बाकी सगे संबंधियों तक दूसरे देशों में पहुंच सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।